नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चेन्नई वर्सेस चाइना, यह मूवी रिलीज़ होने से पहले बहुत से लोगों को यह नहीं पता था कि मार्शल आर्ट भारत की देन है और बोधि धर्मन ने वह कला चीन को सिखाई जो कि एक भारतीय थे। पर अभी भी बहुत से लोगों को यह नहीं पता होगा कि मार्शल आर्ट के निर्माता कौन हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मार्शल आर्ट के निर्माता भगवान श्री कृष्ण हैं। उन्होंने ही मार्शल आर्ट का आविष्कार किया था। इस विद्या के कारण ही नारायणी सेना, जो कि श्री कृष्ण की सेना है, भारत की सबसे भयंकर प्रहारक सेना बन गई थी। श्री कृष्ण ने ही कलारीपयट्टू कला की नींव रखी, जो बाद में बोधि धर्मन से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट में विकसित हुई। इस विद्या को चीनियों ने मार्शल आर्ट का नाम दिया, पर इस विद्या का असली नाम कलारीपयट्टू ही है। इस विद्या के माध्यम से ही श्री कृष्ण ने चाणूर और मुष्टिक जैसे मल्ल योद्धाओं का वध किया था और मथुरा में दुष्ट रजक के सिर को हथेली के प्रहार से काट दिया था। आपको यकीन नहीं होगा, पर डांडिया रास भी कलारीपयट्टू कला का एक नृत्य रूप है। कलारीपयट्टू विद्या के प्रथम आचार्य भगवान श्री कृष्ण को ही कहा जाता है। हालांकि इसके बाद इस विद्या को अगस्त मुनि ने प्रचारित किया था। आज भी यह विद्या केरल और कर्नाटक में प्रचलित है। मैं ऐसे ही ऐतिहासिक या एजुकेशनल वीडियो बनाता रहूँगा जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।